गीता की 11 बातें जो आपका जीवन बदल दे। पहला, गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। दूसरा, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। तीसरा, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। चार, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। पाँच, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। छः, नकारात्मक विचारों को आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। साथ, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। आठ, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। नौ, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 10, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। 11, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।